बॉलीवुड के न्यूली मैरिड कपल कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी पर अब तक तो सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स ही रिएक्शन दे रहे थे, मगर अब साउथ इंडस्ट्री के कई सितारे भी कैटरीना और विकी की शादी को लेकर अपने अपने रिएक्शन दे रहे हैं, जिनके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं उन साउथ स्टार्स के रिएक्शन के बारे में। नंबर एक पर है जूनियर NTR। साउथ के सुपरस्टार जूनियर NTR ने कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी को लेकर कहा है कि इन दोनों की जोड़ी बेमिसाल लग रही है और मैं तो यही चाहता हूं कि दोनों एक दूसरे के साथ इसी तरह एक खुशहाल जीवन व्यतीत करें। नंबर दो पर है रश्मिका मंदाना। नेशनल क्रश बन चुकी अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी पर रिएक्शन देते हुए कहा है कि मुझे तो ये कपल बहुत ही परफेक्ट लग रहे हैं, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। नंबर तीन पर है रामचरण। साउथ के मशहूर अभिनेता रामचरण ने कैटरीना और विकी की शादी पर रिएक्शन देते हुए कहा है कि अच्छा हुआ दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और वो भी बिल्कुल सही समय पर। साथ ही मैं तो ये भी कहूँगा कि दोनों को अच्छा जीवन साथी मिला है, क्योंकि दोनों ही काफी टैलेंटेड एक्टर तो है ही और एक अच्छे इंसान भी है। सो गॉड ब्लेस यू। नंबर चार पर है अनुपमा परमेश्वरन। साउथ इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री अनुपमा परमेश्वरन ने विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी पर रिएक्शन देते हुए कहा है कि मुझे ये दोनों कपल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, पता नहीं इन दोनों ने एक दूसरे में क्या देखकर शादी कर ली है। नंबर पाँच पर है राम पोथिनेनी। इस लिस्ट के आखिरी कड़ी में नाम आता है राम पोथिनेनी का, जिन्होंने कैटरीना और विकी की शादी पर रिएक्शन देते हुए कहा है कि पता नहीं क्यों ये दोनों ब्रिलियंट एक्टर एक दूसरे के साथ शादी करके एक दूसरे का करियर बर्बाद कर रहे हैं, शादी से अच्छा तो ये अपने करियर पर ही फोकस करते तो बेहतर रहता। तो दोस्तों, आप कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ऐसी ही और खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।